रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंगोलिया दूर से नींद उड़ गई है। चीन की नाक के नीचे मंगोलिया में भारत ने बड़ा दाव खेला। भारत मंगोलिया के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। 1.2 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले ऑयल रिफाइनरी भी भारत मंगोलिया के रिश्तों का नया चैप्टर है। सदियों में एलएसी पर चीन फिर से हिमाकत कर सकता है। ऐसे में -40 डिग्री वाली भीषण ठंड के लिए भी इंडियन आर्मी रेडी टू वॉर वाली तैयारी कर रही है। अक्टूबर से फरवरी तक पेंगोंग झील, देपसांग, स्पुंग झील, रेजांगला समेत तमाम अति संवेदनशील साइटों के लिए सॉलिड तैयारियां की गई है। पंजाब में गैंगस्टर आतंक नेक्सस मॉड्यूल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब में कुछ गैंगस्टर आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में छिपा आतंकी रिंदा गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर विरोधी साजिशों के लिए उनका उपयोग कर रहा है। टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी में फिर से खूनी झड़प होने लगी है। टीटीपी की फोर्स ने पाकिस्तान आर्मी के 5 जवानों को ढेर कर दिया, तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान आर्मी ने टीटीपी के 4 लड़ाकों को मार गिराया। इस मिनी युद्ध के बाद टीटीपी ने कहा कि अब पाक आर्मी से आर पार की जंग होगी। तालिबान राज आने के बाद पाक अफगानिस्तान बॉर्डर की ड्यूरन लाइन पर टकराव बढ़ गया है। लेटेस्ट वीडियो में तालिबानी कमांडर पाक आर्मी को वार्निंग देता हुआ दिखाई दिया। तालिबानी कमांडर पाकिस्तानी अफसरों से कह रहा है कि भारतीय समेत बाकी विदेशी इस इलाके में घूमने आते हैं तो इससे आपको क्या लेना देना। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाक आर्मी की निर्माण कंपनी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए इस हमले में 5 ठेकेदार मारे गए। अब बीएलएफ ने वीडियो के जरिए वार्निंग देते हुए कहा कि बलूच ड्राइवर और ठेकेदारों, अगर पाक आर्मी के साथ काम करोगे तो अंजाम यही होगा। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। तुर्की ने कहा कि पाकिस्तान को बायरक्टार ड्रोन देने के लिए तैयार है। बायरक्टार के सीईओ हालुक बायरक्टार के मुताबिक भारत को किलर ड्रोन कभी नहीं बेचेंगे, जबकि पाकिस्तान बायरक्टार ड्रोन खरीद सकता है। पाकिस्तान में इमरान की पेशावर रैली पर बवाल मच गया है। पेशावर रैली में इमरान खान के समर्थन में उमड़ी भीड़ से जनरल बाजवा और पीएम शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली की YouTube पर स्ट्रीमिंग भी रोकी गई, तो पाकिस्तान में #YouTubeDown ट्विटर पर ट्रेंड भी हुआ। एलओसी पर पाकिस्तान रेंजर्स के सीज फायर उल्लंघन के खिलाफ अर्निया सेक्टर में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पाक आर्मी का पुतला फूका। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एलओसी पर गोलीबारी बढ़ी तो पकी पकाई फसलें बर्बाद हो सकती है।